आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के चुने जाने के बाद भी उनके पति उनकी जगह बैठकों और कार्यक्रमों में चले जाते हैं। कई तो पूरा काम ही करते हैं, यहाँ तक कि साइन भी कर देते हैं। पत्नी नाम के लिए जनप्रतिनिधि रहती है, लेकिन इंदौर नगर निगम में पत्नी की जगह बैठक में पहुंचे पति को गजब बेइज्जती का सामना करना पड़ा। दरअसल इंदौर नगर निगम कार्यालय की एक बैठक का वीडियो सामने आया है, जिसमें निगम आयुक्त हर्षिका सिंह सख्त तेवर में दिखाई दी और उन्होंने महिला पार्षद की जगह बैठक में पहुंचे पति को जमकर न केवल फटकार लगाई बल्कि मीटिंग से भी बाहर कर दिया। वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। कमिश्नर ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में विकास कामों पर चर्चा के लिए पार्षदों को बुलवाया था, लेकिन एक महिला पार्षद ना पहुंचकर पति पहुंच गया था, जिसको देखकर निगमायुक्त हर्षिका सिंह का पारा हाई हो गया। इंदौर निगम कमिश्नर ने पार्षद पति को फटकार लगाते हुए कहा कि पार्षद की जगह आप ही फाइल पर साइन करोगे क्या। निगमायुक्त ने कड़े शब्दों में कहा कि बाकी सारी चीजें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं करूंगी। यह तो आप उन्हें बुलाएं, नहीं तो आप भी जा सकते हैं। बाकी सारी महिला पार्षद मिलती और अपनी बात रखती हैं, तो आप क्यों इंटरफेयर करते हैं। मैम वो आज आने के लिए तो सॉरी मैं नहीं सुन सकती आपकी बात। सॉरी नहीं सुन सकती हूँ, आप मैडम को बुलाइए, नहीं तो मैं नहीं सुनती। ये बातें मैं बिल्कुल किया, इसमें मैं किसी बात नहीं सुनती। या तो मैडम आए तो बैठे, नहीं तो मैं नहीं सुनती। बिल्कुल क्लियर। इतनी सारी मैडम बैठी है ना, सब तो अपने घर से निकल के आएंगे। बर्दाश्त कर सकती हूँ, या तो उनको बुलाइए, नहीं तो आप जा सकते।